हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल। इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूं कि आप अपनी कार की चाबी का सेल कैसे चेंज कर सकते हैं खुद से ही। जी हां, खुद से ही। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे प्लीज़ मेरा एक निवेदन है कि आप मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक का बटन दबा दें। आपके लिए वीडियो बनाने में मुझे और मोटिवेशन मिलेगा। चलिए अब शुरू करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं, ये गाड़ी की चाबी है जो कि आजकल लगभग सभी हुंडई की गाड़ियों में दे रहे हैं, चाहे वो वेन्यू हो, वरना हो, i20 हो, ऑरा हो, लगभग सारी गाड़ियों में आ रहा है। किसी में फ्लिप वाली की जाती है, जैसे कि ये फ्लिप वाली की नहीं है, ये पुश बटन वाली की है। तो बाकी मैकेनिज्म सब सेम है, बस खाली इसमें फ्लिप नहीं है जो कि यहाँ पर होता है। तो इसके आप सेल कैसे बदलना चाहते हैं अगर आपने सेल, तो मैं आपको बताऊंगा सेल कैसे बदल सकते हैं। जैसा कि आप ये देख सकते हैं, यहाँ पे सेल रखा हुआ है। ये मैंने लोकल वॉच जहाँ से मिलती है वहाँ से शॉप से मैंने परचेज़ किया है। अमेज़ॉन पे मेरे को उस समय नहीं मिल रहा था, तो मेरे को दो ही चाहिए थे। अमेज़ॉन के फाइव पैक का कुछ ऑफर था, पर मुझे सिर्फ दो ही सेल चाहिए थे दोनों चाबियों के लिए। तो मैंने ये लोकल वॉच की शॉप से परचेज़ किया है, जो कि लगभग 200 से 250 के आसपास आपको मिल जाएगा। आप चाहे तो अमेज़ॉन से ऑर्डर कर सकते हैं, लिंक मैं आपको दे दूंगा डिस्क्रिप्शन पे, और आपको मैं बता दूंगा कि आप कहाँ से परचेज़ कर सकते हैं अमेज़ॉन से। और इस सेल का जो नाम है वो है CR2032 लिथियम कॉइन बैटरी। 3 वॉट की आती है, यही सेल डलेगा आपको इस बैटरी के अंदर, और कोई सेल नहीं डलेगा। और इसमें इंडोनेशिया, जापान, चाइना आपको ऐसे से मिलेगा। बाकी आप कोशिश कीजिएगा इंडोनेशिया या जापान का आपको मेक मिल जाए, या फिर ताइवान का। चाइना का थोड़ा सा दिक्कत है, क्योंकि चाइना की सुना है कि बैटरी थोड़ी जल्दी वीक हो जाती है। तो आप कोशिश कीजिएगा आपको मेड इन जापान या इंडोनेशिया या ताइवान ऐसे की आपको मिल जाए, या मेड इन इंडिया भी चल जाएगा आपको। अच्छा, हमको सिखा रहा है। जैसा कि आप देख सकते हैं, यहाँ पे एक लैच दिया हुआ है, ये चाबी है। ये यहाँ से बटन प्रेस करेंगे, ये आपकी चाबी बाहर आ जाएगी। ये देखिएगा, ये बटन है, इसको आप प्रेस कीजिएगा तो चाबी आपकी बाहर आ जाएगी। चाबी आपको साइड करना है और आपको ये देखना है। लगभग आपको सारी गाड़ियों में लगभग सेम काइंड ऑफ मैकेनिज्म मिलेगा, थोड़ा सा डिफरेंस रहेगा, वो तो आपको देखना पड़ेगा कैसे आप खोल सके। ये बेसिकली आप इसको आसानी से खोल सकते हैं, इसमें खाली आपको फिंगर ऐसे फंसाना है। इसको फिंगर आपको एक ऐसी रखनी वर्टिकल, और इसको ऐसा हल्का सा प्रेस करके इसको खोल लेना है। ये ऐसा खोल लेंगे अगर आप इसको ऐसा, ये देखिए आपको इसमें लॉक्स दिए हुए हैं, इसको खोल लीजिएगा, आराम से खोलिएगा, ज़्यादा प्रेशर नहीं लगाइएगा वरना टूट भी सकता है ये। और ये सामने आपको दिख रहा है, उसके अंदर आपको ये बटन, ये सब बटन दिए हुए हैं, और ये लाइट दी हुई है। आपको फिर धीरे से इसको ऐसे करके इसमें निकाल देना है आपको। ये रबर पैकिंग के साथ आता है, इसको आप साइड में रख लीजिए, ये आपका बटन है। इसके बाद आप इसमें देखेंगे, इसको आप उल्टा करेंगे तो ये बाहर आ गया आपका। ये 4 पीस इसके बाहर आ जाएंगे। आपको ये दिख रहा होगा यहाँ पर सेल, ये आपका सेल है मेन, इसको आपको चेंज करना है। ये देखिए आप, ये आपकी गाड़ी के अंदर की चिप है, उसके साथ ये सेल लिया हुआ है, इसको चेंज करना है। बहुत ही आसान है, इसको आप स्लाइड करके निकालेंगे से बाहर, ये ऐसे करके बाहर आ जाएगा। ये आप देख सकते हैं, ये बाहर आ गया। ये आप देख सकते हैं, ये सेल है। इसमें पैनासोनिक का दिया हुआ है, मैं दूसरी कंपनी के अलावा मैक्स कंपनी का है, टाटा की कंपनी है वो भी। आप चाहे तो वो भी यूज़ कर सकते हैं, चाहे यूज़ करते हैं। आप देखिए इसमें गौर से देखिए, इसमें नंबर भी आपको दिखाई देगा जो सेल का नंबर है। आप इसको पॉज करके नंबर भी पढ़ सकते हैं, ऐसा सेल है ये। वापस को इंस्टॉल करने के लिए आपको ये बटन है, सॉरी सेल है, इसको खोलना है आपको पैकेट से बाहर। पैकिंग बहुत टाइट कर रखी है। ये देखिए, ये रहा सेल।
और ये ना पुराने वाला सेल, ये वाला नया सेल है, ये पुराना सेल है, सेम ही मॉडल है पर बस ये कंपनी डिफरेंट है। चलिए इसमें बदलने का सबसे सिंपल तरीका है, वापस इसको आप ऐसे लगा दीजिए इसके अंदर, ये आपका सेल लग गया है, बहुत ही आसान है। वापस आपको ये चाबी उठा ले लेनी है आपको, और जैसा लगा हुआ था इसके अंदर वैसे ही आपको वापस इसको ऐसे इंस्टॉल कर देना है आपको। ये आपका इंस्टॉल हो जाएगा, सॉरी मैंने उल्टा लगा रहा था। ऐसे लगाना है इसको, ये आपका सेल चेंज हो गया। अब आपको चेक करना है, अपनी गाड़ी के पास जाके चेक कर सकते हैं, अगर आपका गाड़ी यूज़ पास में ही है तो, वरना आप चेक कर सकते हैं। जैसे आप ही बटन दबाएंगे लॉक का, आप ही देखेंगे इसमें लाइट जल रही है ऊपर, लाइट ये देख सकते हैं आप, अगर ये जल रही है तो मतलब सेल चार्ज है और आपके रिमोट वर्किंग है। फिर से आप अपना ये जो आपकी की है साथ में चाबी, इसको आप वापस इसको इसमें लगा लीजिएगा। बाई चांस अगर आप कहीं किसी आप रोड पे कहीं ट्रिप पे जा रहे हैं, वहाँ पे आपकी चाबी ऐसे डाउन हो जाती है, आपका सॉरी आपके बैटरी ऐसे डाउन हो जाती है, तो आप उसको मैन्युअली इस चाबी से आप उसको बाहर से खोल सकते हैं, ये इससे आप खोल सकते हैं। ये चाबी इसलिए दी गई है कि बाई चांस आपकी सेल डाउन हो जाए आपका, तो आप ये इस चाबी से अपनी कार ओपन कर सकते हैं इजीली। फिर आप कहीं भी लोकल मैकेनिक शॉप से या किसी भी लोकल घड़ी वाली दुकान से आप सेल इसका चेंज करा सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, एंड आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। छोटी सी वीडियो है और आपको इन्फॉर्मेशन मिल गई होगी इस सेल चेंज करने के प्रोसीजर के बारे में। सो प्लीज़ लाइक माई वीडियो, सब्सक्राइब माई चैनल, एंड थैंक यू।